और उसे डाउट किया जाएगा, बट उन्हें पता नहीं कि बीजीएमआई में मान्य अचीवमेंट्स, मान्य के अचीवमेंट्स के आसपास भी कोई नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, चार लेकिन चार लैंड विनर प्लस दो टाइम हैशटैग टू प्लस ही इज 140 प्लस अनऑफिशियल भी होगा, दो तो बीजीएमआई जीता है। ऐसा भी नहीं था, मान्या ने ट्वीट किया था कि वो आप लोग क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं, बट वो खुद ही क्वालिफाई नहीं हुआ। आई एम वेरी सैड। एलिमिनेशन करेक्ट यार, सीरियसली राइट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम, ओ नाउ देयर इज ओनली वन पर्सन, आई थिंक डेस्ट्रो इज द ओनली पर्सन जो सारे ऑफिशियल्स की फाइनलिस्ट जाने वाला, अभी एक ही बंदा बच जाएंगे, सेंसे भी निकल गया, मान्या भी निकल गया, अभी डेस्ट्रो रिमेन्स नाउ एंड, बट सोल की तरफ से नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड यू नो दिस परफॉर्मेंस। रॉकेट क्रैश भाई, ऐसे हेट मत दो, हेट मत दो गाइस, अगर गॉडल के भी सपोर्टर हो तो भी हेट मत दो यार, क्योंकि कभी हो सकता है ना गॉडल भी बाहर हो जाए। अभी अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी डाउन पर लगेगा तो कर्मा हिट हो जाता है गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब लोग बोलते हैं। अच्छा मुझे पता, सोल का आपको क्या लग रहा है, सोल का रीजन क्या है व्हाई दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट? सोल बीइंग अनलकी, देखो लकी एंड अनलकी कुछ हद तक इस गेम में रहता है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट तुम्हारे हाथ में होता है, तो वो 25% है, चलो मैं लकी और अनलकी की चीज में रख लेता हूँ, बट तभी भी बाकी 75% हाथ में था, सोल के हाथ में, और वो गलत कर दिया, और वो गलती मानना ही पड़ेगा, आई थिंक सोल की तरफ से गलती हो गया। और मेरे हिसाब से निंजा का एडिशन उतना ज़्यादा भी यू नो अभी तक बन नहीं गया, और होता है ना कि भाई वो एक ओवर पावर परफॉर्मेंस या ये लो भी खा रहा है भाई, डोमिनेट कर रहा है भाई, ऐसा कुछ दिखा भी नहीं। वन थिंग मेरे को लगा कि भाई अभी तक इसलिए नहीं दिख रहा है, आवाज़ कम करो, मेरे को लगा कि अभी तक इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि क्योंकि वो सिनर्जी अभी भी बनाना है, BMPS जस्ट अभी BGMS खत्म होने के बाद चेंजेस हुआ, BMPS जस्ट नेक्स्ट 10 दिन में BMPS है आ गया, निंजा को उसके यू नो रिप्लेसमेंट हो गया, जोकर को निकाल दिया, निंजा को डाल दिया, अभी देखने के बाद, अभी तभी नहीं लग रहा था, तभी नहीं लग रहा था गाइस, ठीक है, अभी बस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं निंजा को नहीं डालते, जोकर ही सिर्फ खेलता तो भी सोल शायद से क्वालिफाई होता शायद से। यू थिंक मैं निंजा के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, बट वही है कि वो एक यू नो सिनर्जी इश्यूज हो चुका है, वो जो कंपटीशन जो देनी चाहिए आईक्यू सोल, जो नाम के हिसाब से जो कंपटीशन देनी चाहिए वो नहीं दे रहा था, मतलब जोकर रहता तो, बिकॉज जोकर के साथ ऑलरेडी सिनर्जी है, बेस लेवल में खेलना कैसे वो लोग जानता है, बट वही था कि वो ट्रॉफी नहीं ले पा रहा था जोकर के साथ, बट BGMS का ट्रॉफी भी आप लोग देखो आईक्यू सोल ने कैसे लिया, इट वॉज नॉट लाइक भाई आईक्यू सोल जैसा लेना चाहता है वैसा लिया, कि भाई पूरा लॉबी डोमिनेट किया और ऐसा ट्रॉफी लिया, नहीं, दे वेंट टू अ हील बैटल, नकुल ने लास्ट में हील बैटल करके BGMS का ट्रॉफी लिया है, तो उस वजह से आई थिंक आईक्यू सोल वांटेड टू हैव दैट चेंज, और एक MVP वाला पहले क्या आया निंजा, बट वो निंजा बना नहीं साथ में, एंड इट डिडंट वर्क आउट एंड इट इज नॉट डूइंग गुड, बट होपफुली अगले टूर्नामेंट में कर ले। सोम्या को लेना था वाला डिसीजन भी यार कैसे कर पाएंगे ना, एक अगर मे बी अगर आईक्यू सोल में अभी होता ना तो मे बी वो डिसीजन शायद से नहीं लेता एक एक्सपीरियंस प्लेयर को, यू नो एक BMPS प्रो सीरीज के अंदर खिलाना वाला जो डिसीजन है वो शायद मे बी नहीं लेता यार, वो ऑन पेपर दिख रहा था कि मैं निंजा विल बी वेरी ग्रेट, बट ठीक है कोई बात नहीं, बट हारा तो ऐसे टीम हारा है आईक्यू सोल ने, इट्स नॉट लाइक निंजा ने हराया ऐसा कुछ, इस वजह से यार आई थिंक तुम लोग यही करेगा, तुम लोग सीधा निंजा के DM पे जाएंगे और उसको गाली देंगे, एंड आई फील यार ये चीज मत करना गाइस, ये बहुत गलत हो जाएंगे, ऐसे टीम हारा है आईक्यू सोल ने, एंड ओवर कॉन्फिडेंस बार बार मेरे को दिखाई दे रहा है चैट पे, मैं जानबूझ के इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं तुम सही हो, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, मानता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट था, मे बी ओवर कॉन्फिडेंट था, सिड भाई भी ओवर कॉन्फिडेंट था, सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट था, बिकॉज उनके ऊपर कॉन्फिडेंट था उतना कि भाई कर लेगा, दिस इज नॉट द राउंड वेयर आईक्यू सोल इज गोइंग आउट, वो तो लग ही रहा था, बट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ही दिख रहा है।